अस्सलामुअलैकुम जनाब, आप सब लोग कैसे हैं? ये मेरी माहरूख स्कूल जाने के लिए रेडी। शनि शनि वैद्य, शनि शनि वैद्य, मेरा बेटा रेडी है। माहरा तो फुल एंजॉय कर रही है समर, और मेरा हशर नशर हो रहा है चल चल के। बस आज बहुत सारे काम हैं वो भी करने हैं, मेरे साथ यहीं रहे और देखें आज हम क्या क्या करते हैं। जनाब गर्मी से हशर नशर, ग्रोसरी करके आए हैं। अब बनाने लगी बच्चों के लिए मिल्क शेक। ग्रोसरी की थी बच्चों को स्कूल छोड़ के, अब बच्चे स्कूल से आए हैं उनके लिए मिल्क शेक बनाऊंगी। और खाना बनाने लगी, बनाने लगी बटर चिकन। आप मेरे साथ यूँ ही रहे और देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। देखिए ये बड़ा मेस हुआ हुआ है। ये मैंने ले लिए हैं काजू, ठीक है, और गार्लिक जिंजर और टमाटो। और ये मैंने मसाला लगा लिया चिकन को, चिकन टिक्का मसाला लगाया है। और इसको हम फ्राई करेंगे और साथ साथ हम मसाला भी बनाएंगे, तो मैं आपको दिखाती हूँ हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। आ जाए मेरे साथ। मैंने चिकन फ्राई होने के लिए रख लिया, और दूसरी तरफ मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और मैं मसाला भूनूंगी। एक साइड पे मैं चिकन को कर रही हूँ, चिकन टिक्का को, ठीक है, फ्राई कर रही हूँ। और एक साइड पे मैं ऑयल डाल के काजू जो डाले हैं, 6-7 काजू ले लिए हैं, और उनको मैं ब्राउन करूँगी। मैं ये बना रही हूँ तकरीबन 2 सर्विंग के लिए, ठीक है, जो लोग आराम से खा सकते हैं। अच्छी तरह से काजू को हम कर लेंगे ब्राउन घी के अंदर, और इसको भी हम टर्न करते हैं चिकन को। इनका कितना अच्छा कलर आ रहा है। अगर आप चाहें तो जो बना बनाया टिक्का नहीं होता बाजार से मिलता है उसका भी बना सकते हैं। मैं काफ़ी दफ़ा उसका भी बनाती हूँ, बच जाता है तो फिर मैं उसका बना लेती हूँ। अब ये काजू ब्राउन हो जाएगी तो हम इसको निकाल के प्याज डालेंगे इसके अंदर। इसी ऑयल में हमने डाल दिया है अनियन, और अनियन को भी हम कर लेंगे ब्राउन अच्छी तरह से, ठीक है। इन सब ने ग्राइंड ही होना है, तो ज़रूरत नहीं है कि आप बिल्कुल इसको बरीक बरीक काट। चला शुरू हो गया, आप देख सकते हैं। देखिए अब इसके अंदर हम डाल देंगे गार्लिक, भी हम डालेंगे साबुत की, ठीक है, इसको भी हम कर लेंगे ब्राउन। चिकन का ब्राउन कितना अच्छा निकला है, चिकन अच्छी तरह से पक गया है, और प्याज भी ब्राउन हो गई है, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटो। टमाटो मैंने 2 लिए हैं, क्योंकि ये जो है खट्टा मीठा ही होता है बटर चिकन, टमाटो को भी हमें साबुत साबुत ही डालना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। अब हमने इसके अंदर डाल दिया पानी थोड़ा सा, ठीक है, और हम इसके अंदर डालेंगे मसाले। मसाले सिंपल डालेंगे, नमक मिर्च हल्दी बस। अब हम इसको क्या करेंगे, अब हम इसकी गैस को कर देंगे हल्का, और इसके ऊपर हम दे देंगे लेड। टमाटर और अनियन और सब चीज़ों को हम होने देंगे सॉफ्ट, ठीक है। तो हम 5 मिनट के लिए इसको ढक के देंगे हल्की गैस पे। नमक मिर्च हल्दी सब मैंने डाल के भुनाई की थी 2-3 मिनट, तो अब मैं इसको हल्की गैस पे 5 मिनट के लिए दम पे लगाऊंगी ताकि सब कुछ मशी हो जाए। सारा मसाला जो है ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, ठीक है, सब कुछ सॉफ्ट हो गया था, टमाटर अनियन और सब कुछ सॉफ्ट हो गया था। ये मैंने ब्लेंडर के अंदर डाल दिया, और मैं अब इसको करूँगी ग्राइंड। मसाला हमारा अच्छी तरह से ग्राइंड, ठीक है, अब हम इसको छन्नी से छान लेंगे जी। अब मैंने क्या किया है, मैंने ले लिया है स्ट्रेनर और पैन, और ये सारा मसाला मैं इसमें निकाल दूंगी, ठीक है, और मैं इसको कर लूंगी। उसी पैन में लिया है जिसमें मैंने इसको बुनाई की थी, ठीक है, तो मैं ये सारा मसाला इस तरह निकाल लूंगी, ठीक है। थोड़ा सा पानी भी डालेंगे हम, थोड़ा सा शेक कर लेंगे।
ये पानी डाल लिया हमने, हंगाल बोलते हैं, और ये हमने सारा निकाल लिया इस तरह। मैं स्टैंड लेके नहीं आती, लेजी हो जाती हूँ, तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये सारा टमाटो का ये सारा पेस्ट और जितने मसाले थे ये इधर आ गया, और ये ग्रेवी आ गया। ठीक है, तो अब हम इसको रखते हैं चूल्हे पे। वैसे ये चीज़ तो हमें चूल्हे पे रख के करनी चाहिए थी, लेकिन मेरा एक हाथ था आप लोगों को भी दिखाना था, तो अब हम इसको गैस पे रखते हैं। इसमें उबाल आने लग गया है, एक तरफ मैं चनों वाले चावल बना रही हूँ, इसमें उबाल आने लग गया है, तो अब चिकन भी डाल देंगे। चिकन को हमने मसाला लगा के रखा, जो हमने चिकन को फ्राई किया था वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे, और हम इसको पकने देंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे बटर, क्योंकि ये है बटर चिकन, तो इसमें हम डालेंगे बटर। ये देखिए, मैंने इतना बटर कट कर लिया है, और अब मैं ये डाल दूँगी पैन में। ये बटर मैंने डाल दिया है पैन में, ठीक है, और अब हम इसको कर देंगे हल्की गैस पे। और जब ये अच्छी तरह से बटर निकल आएगा और ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर डालेंगे कसूरी मेथी और क्रीम। ये है फाइनल शक्ल। अभी मैं इसको सर्व करके निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ प्रॉपर। गाइस, ये बटर चिकन रेडी है, और साथ गरम गरम पराठे, और बच्चों को खिलाती हूँ अब। ये एक तरफ बनाया हमने फिश, चने का पुलाव और साथ सैलड। आज की वीडियो यही थी, आई होप आपने इंजॉय किया होगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। खुश रहें, खुश रहने दें। अल्लाह हाफिज़।